गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ स्वीट डे। टुडे वी लर्न एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 10। इससे पहले हमने पेज नंबर 83 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। हम स्टडी कर रहे हैं परीक्षा बोध प्लस परीक्षा अध्ययन से। सो जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टाइम इज टू शॉर्ट, समय बहुत कम है, इसलिए अपन को सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है। बट आई होप इनसे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं जाएगा। तो आज हम बात करते हैं पेज नंबर परीक्षा अध्ययन 86 की और इसका क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक उसने एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है, एपी 9, 17, 25, 36। क्या दिया है, सम दिया है। हेयर ऐसा ही हमें दिया है 636। ए कितना है 9, बी कितना है 70 - 9 = 8। ना ऐसे का फॉर्मूला लगा दिया, SN = NY2 2A + N - 1। ऐसे की जगह रखा मैंने 636, एन की जगह पता नहीं है, टू ए की जगह मैंने कितना रखा 9 + N - 1, डी की जगह मैंने कितना रखूंगा 8। ठीक है, इसके बाद टू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 636 = 10, 18 + 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8N - 8। अब मैं क्या करूंगा, 636 * 2 × 2 = 12 = 2 × 6 = 7 = 8 अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करें, हमें इसके फैक्टर पता नहीं। तो 636 4 जा 1272 और 1272 2 जा कितना होगा 144, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके फैक्टर्स करके देखे मैंने, 1 + 2 फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 14। माइनस का 8N प्लस का 3, 636 = 0। 4N कॉमन आया तो N 4 × 4 = 12। 53 कॉमन आया N - 12 पूरा कॉमन आ गया, 4N + 53 = 0। तो N - 12 = 0 या 4N + 53 = 0। तो N कितना आ गया, 12 आ गया, 4N = -53, N = -53/4। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिजिट नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव में और रेशनल नंबर में नहीं होगा, इसलिए N की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी इसके 12 टर्म्स का सम कितना हुआ, 636। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या बोल रहा है, देख द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में भी 70 एंड 350 रिस्पेक्टिव। हियर फर्स्ट टर्म दिया है 70, लास्ट टर्म दिया है 350, कॉमन डिफरेंस डी इज 9। डी कितना दिया है, 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म देयर आर, व्हाट इज देयर, तो इसमें कितने टर्म है और इनका सम क्या है, तो एल का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 20। 350 इक्वल टू 70 प्लस एन माइनस 9। 70 माइनस कर एन माइनस 9, 70 माइनस करो तो 333, 9 से कर दिया डिवाइड, माइनस 9 3 27, 9 7 63, एन माइनस 37, माइनस का मन चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एन कितना आ गया 30, यानी इसी रेंज में कितने टर्म है 30 ना। अब सम निकालो, एस 38 अपॉन 2 2a प्लस 38 माइनस 1b, एस 38 टू वन जा टू टू वन जा 50, 70 टू या 34 प्लस 37 टू 9, इसका मतलब इंटू होता है, ठीक है। एस 38 9 टू 37 प्लस 9 7 जा 63, बचा कितना 6, 33 इनको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 360, तो एस 38 हमारा कितना आ जाएगा 6973। तो इस तरीके से हम इसके समों को फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एबी व्हिच डी सेम टू 22 टर्म्स ऑफ 49। हियर निकालना क्या है, एस 22 हमें फाइंड करना है, डी कितना दिया है 7 दिया है और ए 22 दिया है 49। ए 22 क्या होता है, ए प्लस 20 20, a प्लस 49, ये कितना हो गया 147, 147 रिजल्ट आएगा तो माइनस का हो जाएगा, देन a कितना हो गया 2 आ गया, b हमारे पास है, a हमारे पास है ना। अब हम निकालेगा टू ए प्लस 22 माइनस डी, ओके। अब एस 11 टू टू जा 4, 21 टू 7, एस 11 4 प्लस 157, एस 11 टू 151, और ये कितना आ जाएगा 151, एस 22 166, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इसके 22 क्वेश्चन, इसका 22 क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ ए इज 49। क्वेश्चन 22 हियर, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दिया है 49 और 17 टर्म क्या दिया है 29, तो निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट 7 ना, एस 7 दिया है 49, एस 7 को क्या लिख सकते हैं 7 अपॉन 2
2a plus 7 minus 1 b is equal to 4. 7 7 जा 49. 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2a plus 6 b is equal to 14 on divide by 2. 2 से divide कर दिया a plus b is equal to 6. Equation first ऐसे ही S17 दिया है 29. S17 क्या होगा 17 upon 1 2 plus 17 minus 1 equal to 29. 17 17 जा कितना हो जाएगा 29. 2 का मल्टीप्लाई किया 2 plus 16 equal to 34 on divide by 2. 2 से डिवाइड करोगे तो a plus a b equal to 6. Two equation second from first and second. First or second say a plus 3 b equal to 7. A plus a b equal to 6. Minus minus. A से a cancel हो गया. ये बचा माइनस का 5 b माइनस का 10 माइनस से माइनस कैंसिल तो ये मतलब 5 यानी डी की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया. अब डी की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट क्या इक्वेशन थी हमारी a plus 3b equal to 7. A 3 into 2 equal to 7. A plus 6 equal to 7. 6 over जाएगा तो minus का ये कितना आ गया 1. अब a बना गया हमारे पास और d हमारे पास कितना आ गया 2. तो अब हमें क्या निकालना है sum of first n term. तो sum of first n term हम कैसे निकालेंगे a भी है हमारे पास और d भी है. सो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ना ऐसे का फॉर्मूला n by 2 2 plus n minus 1 d n by 2 a की वैल्यू 1 n minus 1 b की वैल्यू 2 n upon 2 2 plus 2 n minus 2 ये minus 2 और plus 2 कैंसिल हो जाएंगे 2 एन टू से कितना गया. तो इस तरीके से आप इसके पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं. और भी अगर आपको आज हमने पेज नंबर 87 के 22 क्वेश्चन तक की पढ़ाई की है इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में. ओके स्टूडेंट्स हैव अ स्वीट डे.